बड़वाह में करीब 2 माह पहले एक युवक शराब गोदाम में पुताई के दौरान करंट की चपेट में आ गया था। एक युवक की जिसमें मौत हो गई थी। इस मामले का नव युवक बराय समाज के प्रदेश अध्यक्ष और परिजन गुरुवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यह शिकायत आवेदन सौंप कर संबंधित शराब गोदाम मालिक सहित युवक के साथ ले गए लोगों पर कार्यवाही की मांग की है। मृतक के पिता केशव कनाड़े ने बताया कि 24 नवंबर को उनके 18 वर्षीय बेटे कुंदन को सुरेंद्र और दिनेश बड़वा में राजू पंडित के यहाँ पुताई का कहकर साथ ले गए थे। दोपहर में सूचना मिली कि कुंदन की मौत हो गई है। कनाडे ने आरोप लगाया कि जिस गोदाम में पुताई की जा रही थी उसके पास से 11 KV विद्युत लाइन गुजर रही है। इसके बावजूद न तो गोदाम मालिक ने सुरक्षा व्यवस्था की, न ही साथ ले गए मजदूरों को कुंदन का बचाव किया गया। उनकी लापरवाही के चलते जवान बेटे की मौत हुई है। इन सभी पर एट्रोसिटी एक्ट के प्रकरण दर्ज किया जाए। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पूरा मामला पंडित राजू पंडित के यहाँ बच्चा काम करने के लिए गया था, वहाँ करंट लगने से मृत्यु हो गई बच्चे की, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। बच्चे को 10 बजे की डेट हुई है बच्चे की, उसको 2-3 घंटे बाद अस्पताल में लाया और ना उसके परिजनों को खबर करी, ना पुलिस प्रशासन को खबर करी, और स्वयं ला के पटक गए। क्या घटना के किस तरह हुई थी, घटना क्या हुई? घटना करंट लगने से मौत हुई। कैसे क्या हुआ था? ये कलर करने गए थे और मेरे बच्चे से ऊपर पुताई करवाई, पारा पीट, और बच्चे को किसी ने बोला भी नहीं। 1.5 महीने पहले उसकी औरत की मृत्यु वही करंट में हो गई थी। बच्चे को बता देते तो बच्चा मेरा कभी भी नहीं जाता। अब यहाँ क्या चाहते हैं, क्या मांग लेके आए? राजू पंडित के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उसके खिलाफ FIR होना चाहिए। FIR तो हुई है ना? FIR नहीं हुई, वो दो के खिलाफ FIR भी मची हुई। किनके खिलाफ? सुरेंद्र। ये कौन थे सुरेंद्र? ये वहीं रहते हैं टावर पे, मजदूर है। अब तुम क्या मतलब किस पर कार्रवाई करना चाहते? राजू पंडित पे, मकान मालिक है। क्या नाम है तुम्हारा? केशव कनाड़े। आप कौन है बालक के पिता? हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।